अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हैं। व्यूअर्स, इस व्लाग में मैंने 3 दिन के वीडियो क्लिप्स ऐड किए हैं, तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा व्लाग आपको अच्छा लगेगा। तो अगर अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कर दीजिए। तो यहाँ पर जी हम जा रहे थे बाहर, तो मैंने थोड़ी सी वीडियो बना ली, मैंने कहा चले व्यूअर्स के साथ भी ये व्यू शेयर करती हूँ। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा व्यू था। जैसा कि मैंने पहले आपसे शेयर किया है कि इस व्लाग में मैंने 3 दिन के वीडियो क्लिप्स ऐड किए हुए हैं, तो जो है फ्राइडे के भी जो है कुछ क्लिप्स हैं और सैटरडे के भी कुछ क्लिप्स हैं और आज जो है संडे है, तो संडे के भी कुछ क्लिप्स मैंने ऐड किए हुए हैं। तो पहले तो मुझे फ्राइडे वाले शेयर करने चाहिए, फिर सैटरडे वाले और फिर संडे वाले, लेकिन कुछ क्लिप्स ना एडिटिंग करते वक्त मुझसे आगे पीछे हो गए हैं। तो खैर जो भी क्लिप आएगा तो वो मैं शेयर आपसे कर लूंगी। ये किस दिन का है? ये जी सैटरडे के जो है क्लिप्स चल रहे हैं, यानी कि कल के ना। अच्छा, जुमे वाले दिन ना 12 मई को तैयब बेटे की थी जी सालगिरह, तो माशाल्लाह से मेरे बड़े बेटे हो गए हैं 16 साल के, माशाल्लाह माशाल्लाह। वालदैन के लिए बड़ी ही खुशी का दिन होता है ना जिस दिन उनके जो है बच्चे की पैदाइश का जो दिन होता है, बर्थडे का दिन होता है, तो जाहिर सी बात है बड़ी ही खुशी का होता है ना। और अल्लाह पाक का जो है शुक्र अदा करते हैं कि जो है ना अल्लाह पाक ने औलाद जैसी नेमत से नवाजा हुआ है, और जिनको अल्लाह पाक ने इस नेमत से नहीं नवाजा हुआ उनके लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक जो है उनको भी इस नेमत से नवाजे। आमीन सुम आमीन। अल्लाह पाक हम सब के बच्चों की सेहत तंदरुस्ती के साथ लंबी जिंदगी करे और इनकी खुशियाँ जो ये देखना हमें नसीब करे। आमीन सुम आमीन। और अल्लाह पाक इन्हें अच्छा इंसान बनाए। आमीन सुम आमीन। और व्यूअर्स, आज मदर्स डे भी है, तो मेरी तरफ से सब माओं को हैप्पी मदर्स डे। और अल्लाह पाक हम सब के वालदैन का साया हम पर सलामत रखे। आमीन सुम आमीन। और जिनके वालदैन इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत अल फरदौस में जगह अता फरमाए। आमीन सुम आमीन। तो व्यूअर्स, जुमे वाले दिन जी तैयब बेटे की थी सालगिरह, जैसा कि मैंने पहले भी बताया है। तो खैर जी, जुमे वाले दिन तो हम लोग नहीं आए थे क्योंकि फर्स्ट टाइम बच्चे स्कूल थे और सेकेंड टाइम जो है मस्जिद थे। तो ये जी हफ्ते वाला दिन है और ये जी अब हम जा रहे हैं मार्केट। और रस्ते में ना कई जगह बारिश हो रही थी, कई जगह नहीं हो रही थी। तो खैर इस मार्केट आने से पहले ना हम एरोस्पिन मार्केट पर भी गए थे ना, उधर से मुझे जो है कुछ लेना था। तो क्या मुझे लेना, वो तो घर जाके ही मैं आपसे शेयर करूंगी कि क्या मुझे जो है एरोस्पिन मार्केट से लेना था, तो जो मैं ले भी आई थी। तो है जी वो सामान वगैरह हमने गाड़ी में रखा और हम इधर आ गए ना। फिर तैयब बेटे ने इनको इसके अंदर बिठा दिया और तैयब और हस्बैंड ना एक शॉप पे चले गए थे क्योंकि तैयब बेटे ने लेनी थी कैपरी। मैं और तलखा और जो ताहा है वो इधर थे, ताहा तो झूले ले रहे थे। और तलखा को भी मैं बोल रही थी ना कि आप भी ले लो, तो तलखा जी कह रहे थे पहले कि मैंने नहीं लेना। फिर जी जब इसके अंदर गेम उन्होंने देखी तो फिर कहते हैं चले मैं ताहा को ना थोड़ा बता आता हूँ, फिर मैं आ जाऊंगा बाहर, तो ताहा ले लेंगे ना। तो मैंने कहा चलें जी जैसे आपकी मर्जी है। तो फिर जी इन्होंने की ताहा की हेल्प और ताहा ने जी खेली गेम और फिर जी ताहा को अच्छे से समझ लग गई थी। तो फिर जी अकेले उन्होंने खेलना शुरू कर दिया था। तो इतनी देर में जी हस्बैंड और बेटा भी आ गए थे और इनकी भी जी ये गाड़ी से रुकने वाली थी, तो इन्होंने भी झूला वूला ले लिया था, काफी खुश हो गए थे ये भी। यहाँ पर मैंने इनकी कुछ तस्वीरें वगैरह बना ली और फिर जी हम पहुँच गए अपनी मंजिल पर, यानी कि जहाँ से हमें खाना खाना था वहाँ हम पहुँच गए। तो ये इस मार्केट के अंदर ही है। तो ये बेटे ने अपना पिज़्ज़ा मार्गरीटा मंगवा लिया था, ये पनीर वाला पिज़्ज़ा, और तलहा ने जी टोनर कबाब मंगवाया था, और ये जी प्या तो मेरी थी तो वेजिटेबल्स भी मैंने मंगवा ली थी, और साथ में जी ये मीट वगैरह था, फ्राइज वगैरह थे, साथ कोल्ड ड्रिंक थी। ये जी प्या तो कबाब हस्बैंड के थे जो कि मेरी साइड पर आ गई थी प्लेट, और जी वेजिटेबल्स वाली मैंने मंगवाई थी वो हस्बैंड की तरफ आ गई थी। तो वो देख के परेशान हो गए कि मैंने ये वेजिटेबल्स वाली नहीं मंगवाई, तो मैंने कहा नहीं मैंने मंगवाई, आप मेरी तरफ पास कर दें। तो फिर जी मैंने उनसे वो प्लेट ले ली और उनकी जो प्लेट थी वो उनको दे दी। मुझे ना काफ़ी सब्जियां वगैरह पसंद हैं, तो फिर जी मैं पिज़्ज़ा वगैरह भी लूँ ना तो जो है सब्जियों वाला ही लेती हूँ ज़्यादा। और ये ग्रिल हुई थी ना सब्जियाँ तो बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी, जिसमें जी बैंगन था और जुकीनी थी और जी शिमला मिर्चें थी, बहुत टेस्टी था सारा कुछ हमेशा की तरह। और ये जी लास्ट में फिर जी मैंने कैपोचिनो पी और हस्बैंड ने कॉफ़ी ना, तो वो ब्लैक कॉफ़ी पीते होते हैं हमेशा और मैं जी कैपोचिनो पीती होती हूँ। बच्चे तो कॉफ़ी और चाय वगैरह नहीं पीते, फिर उनके लिए हम लोगों ने नहीं ली। इस मार्केट से भी ना कुछ चीज़ें मैंने खरीदी हैं, तो वो आपको जो है मैं घर जाके दिखाती हूँ कि क्या कुछ लिया है मैंने। अच्छा, बच्चों ने ना अपने पापा को कहा हुआ था कि जी मदर्स डे है संडे को, तो ना आपने हमें जो है कुछ लेके देना है, कोई गिफ्ट जो है ना जो हम अपनी मामा को दे लें। तो इनके पापा ने बोला था कि ठीक है मैं ना आपको ले दूंगा। अक्सर कुछ जो है इन्होंने मुझे गिफ्ट वगैरह करना हो ना, तो इस तरह जी प्रोग्राम बना लेते हैं ये अपने पापा के साथ ना। अक्सर ऐसा होता है कि ये लोग मस्जिद से जब वापस आते हैं ना, तो इनके पापा ही लेने जाते हैं, तो फिर इनके साथ जो है ना जो
जो कुछ भी इन्होंने बाय करना होता है तो कर लेते हैं ना। तो खैर जी उस दिन मैं साथ थी, तो फिर जी इन सब ने मुझे बता ही दिया कि हमने आपके लिए जो है कुछ लेना था, तो अब आप आई हुई हैं तो आप खुद ही ले लें, डिसाइड कर लें जो कुछ आपने लेना है। तो फिर जी मैंने एक गिफ्ट ले लिया था, वो आगे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये एरोस्पिन से ना हमने ग्रोसरी वगैरह की थी, तो फिर जी हमने गाड़ी में रख दी थी जैसा कि पीछे भी मैंने आपसे शेयर किया है। तो ये अब मैं चीज़ें वगैरह निकाल रही थी, फिर बच्चों ने मिलजुल के और मैंने जो है ना संभाल ली थी सारी। और ये जी स्पेशल चीज़ थी जो मैंने पीछे आपके साथ शेयर किया है कि बहुत ही स्पेशल चीज़ है जो मैं एरोस्पिन से लेके आई हूँ, और ये दोनों ही स्पेशल थी, एक ये जार और एक ये मिट्टी की हांडी है जो। अच्छा मुझे ना मिट्टी की हांडी उधर नजर आई तो मैंने कहा चलें इसे भी खरीद लेते हैं। ये जी दोनों वगैरह ले ली थी, ये भी खत्म हुई थी, और ये बच्चों ने अपनी अपनी पसंद के ये जो जूस वगैरह हैं ये ले लिए थे, और ये जी नाश्ते के लिए कुछ जो है चीज़ें वगैरह ले ली थी, टिशू वगैरह खत्म हुए थे तो ये ले लिए थे टेबल वाले, और ये जी जूस वगैरह ले लिए थे, यानी कि जो रोज़मर्रा ग्रोसरी वगैरह इस्तेमाल होती है वही थी। और ये जार मैंने स्पेशल इसलिए लिया था, मैंने कहा चलें ये स्नैक्स वगैरह इसके अंदर है ना जो ये बच्चे खा लेंगे, और ये जब खाली हो जाएगा तो इसमें मैं कुछ ना कुछ डाल लूँगी ना, बड़ा प्यारा मुझे छोटा सा लगा। और ये जी हांडी है, जिस तरह हमारे पाकिस्तान होती हैं उस तरह तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान वाली बहुत ही ज़्यादा प्यारी होती हैं और उनमें तो खुशबू भी बहुत ही प्यारी आ रही होती है ना। तो ये फिर मिट्टी की हांडी समझ के मैंने ले लिया है, ये इनकी अपनी ही जो है ना मेड है इडली वालों की ना, इडली वालों ने ही बनाई हुई है, हैंडमेड ही है। मुझे ना थोड़ी मसनूई भी लग रही थी और मैंने ले भी ली, तो खैर जी इन्होंने तो बड़े अच्छे से इसको चमकाया हुआ है और बड़े अच्छे से पॉलिश वगैरह की हुई है, मुझे भले ही ये मसनूई लगे। तो खैर जी ये दूसरी मार्केट से जो है कुछ चीज़ें वगैरह ली थी, तो ये जी कुर्ता मैंने लिया है, ये जी मदर्स डे के लिए ये मुझे कह रहे थे कि आप कुछ ना कुछ ले लो, तो ये मुझे अच्छा लगा तो ये मैंने ले लिया है। ये जी नोटबुक ली थी तलहा ने, और ये जी कैपरी ली थी पीछे जो आपको मैंने दिखाई है, ये जी तैयब बेटे ने ली थी। जब ना तैयब बेटे ने ये कैपरी ली तो हस्बैंड कह रहे थे कि मैं बहुत हैरान हो रहा था, क्योंकि मैं तो उस वक्त साथ नहीं थी, कि इस दफा ये कलर ये चूज कर रहे हैं ना, वरना या ये ब्लैक लेते हैं या व्हाइट लेते हैं या जो है ना हल्के फ्रोजी कलर की ना कैपरीज वगैरह में ना यही कलर लेते हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, और शर्ट्स वगैरह या ज्यादा इनकी ब्लैक होती हैं या व्हाइट, बाकी कलर जो है ये कम ही लेते हैं। तो खैर जी ये कार्ड्स मुझे सुबह सुबह आज मिले लेना, और ये कार्ड्स तैयब तला ने मिलके ही बनाए थे और बहुत ज़्यादा खुशी हुई, और इन पे जो कुछ तहरीर था वो पढ़ के तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया और बहुत खुशी हुई कि बच्चे जो है ना हमारी छोटी छोटी खुशियों का ख्याल रखते हैं, तो माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये कुर्ता है जो मैं लेके आई थी, तो मैंने कहा चलें ऐसे हैंगर में लगाती हूँ तो फिर अच्छे से नज़र आएगा, और बाजू हैं जो इसके ये स्टाइल जो है मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये मेरे पास पहले था तो इसके भी इसी तरह ही बाजू है ना। तो ये देखें जी ये मैं लेके आई थी कुर्ता। अच्छा जो कुर्ते का स्टफ़ ये लीलन का है ना, तो लीलन स्टफ है ये जो कि बहुत ही मुझे अच्छा लगता है और बड़ा नरम सा ना होता है और बहुत मजा आता है इसको पहने हुए, और घर में तो बहुत इजी रहता है ना बंदा इसको पहने हुए, और बाहर भी आप इसे पहन सकते हैं, बड़ा सिंपल सा है और बड़ा इजी सा ना। अच्छा इधर जो है कम ही इस तरह के जो है ना कुर्ते वगैरह नजर आते हैं मार्केट्स में, जब नजर आ जाते हैं तो फिर मैं ले लेती होती हूँ ना। तो घर वालों ने जी मुझे ऑफर की हुई थी कि मदर्स डे है तो आप जो है कुछ ले लें, तो मुझे ये सामने नजर आ गया तो मैंने यही ले लिया, और अगर इन्होंने ऑफर ना भी की होती तब भी मैंने ले लेना था, क्योंकि मुझे इस तरह के कुर्ते लगते हैं बड़े अच्छे। तो ये जो है पहले हैं मेरे पास, तो ये मैं दिखा रही हूँ, ये मैं सिर्फ जो है इसलिए दिखा रही हूँ कि देखें गले सेम ही सबके हैं, तो मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं ये जी, जो मुझे अच्छा लगे जो मुझे जो है पसंद आए जिसमें मैं इजी हूँ, तो वो स्टाइल जो है मैं बार बार पहन लेती हूँ एक ही जैसा हो भले, और आपको पता होता है कि आप पे ये चीज़ सूट करती है। तो खैर जी आगे जो क्लिप चल रहे हैं वो जुम्मे वाले दिन के हैं, 12 मई के, जिस दिन जी तैयब बेटे की थी जी बर्थडे। सबको सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह, भाई की कंप्लेन है, और ये मैंने गिफ्ट बनाया, एक कबूसा बनाया है और इसके अंदर सॉल्टी है और कुछ भाई के लिए लिखा हुआ है। गिफ्ट को अंदर रखते हैं और मैं जुमे की नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, बाद में भाई आएगा स्कूल से फिर दूंगा। माशाल्लाह से जी तलहा ने गिफ्ट बनाया, और सब घर वालों से ना इन्होंने जो है पैसे जमा किए थे और लेटर में डाले हुए थे ना, तो माशाल्लाह से जी ये जी शाम के ही क्लिप चल रहे हैं। तो पहले जी हमने पुलाव वगैरह खाया था, और उसके बाद जी तैयब बेटे की सालगिरह का जो केक है वो हम लोगों ने काटा था ना।
ये जी जो कुछ लेटर पर तहरीर है बाहर ना, तो वो जी पढ़ रहे हैं, और फिर जी तलहा से जो है ना डिटेल सारी पूछ रहे थे, और तैयब को भी ना बड़ा अच्छा लगता है इस तरह जो है ना तहरीर किया हो, जो है ना जो कुछ भी, तो वो पढ़ने में ना उनको बड़ा मज़ा आता है और अच्छा भी उनको लगता है। और ये जी देखें ताहा का हाल, ताहा को तो बहुत ज़्यादा जल्दी है ना कि लेटर फटाफट खोलें और पढ़ें ना, और ये देखें भाई को दिखा भी रहे हैं और इन्होंने इधर रख दिया, और तैयब ने फिर जी अंदर से भी पढ़ा और काफ़ी अच्छा लगा ना उन्हें जो कुछ भी जो है इन्होंने लिखा हुआ था अपने भाई के लिए। जी तैयब बेटे भी कह रहे थे कि मामा मुझे बहुत अच्छा लगा ना पढ़ के जो कुछ भी तलहा ने मेरे लिए लिखा है। और ये देखिए माशाल्लाह से इस हफ्ते वाले दिन ना शाम के टाइम तो हम लोग सारे बाहर इकट्ठे गए थे ना, ये दिन के टाइम का जो है वीडियो क्लिप है, ये जो आगे आप देख रहे हैं ये वाला ना, ये जी नेबर्स में ही है इनके फ्रेंड, तो ये ना इकट्ठे सारे फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल जो ग्राउंड है वो भी घर के पास ही है, तो ये जी खेलने गए थे। तैयब तो कह रहे थे कि मामा मेरी ना बर्थडे है, तो मैंने कहा चले आप ना उनके लिए कुछ ले जाओ, तो उधर बैठ के जी इन्होंने खाया पिया और फिर जी फुटबॉल खेला और फिर आ गए घर। और जी जो इनके क्लास फेलो हैं तो उनके लिए जी ये फ्राइडे को ही चॉकलेट्स वगैरह ले गए थे स्कूल में ही ना। तो चले व्यूअर्स ठीक है, अब यहाँ मैं आपसे चाहती हूँ इजाजत, मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज़।